17 खत्म होने के बाद ही बिग बॉस ओटीटी के इन बड़े कंटेस्टेंट को मिला रोहित शेट्टी का बड़ा ऑफर। मनीषा रानी के जाते ही बदलेगी खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 की किस्मत एल्विश यादव फुकरा को दे दिया ये बड़ा प्रोजेक्ट ऑफर। तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 17 खत्म हो चुका है और ख़त्म होते ही बहुत सारे रियलिटी शो का अनाउंसमेंट हो गया है, लेकिन इसी बीच खतरों के खिलाड़ी जो कि बहुत पॉपुलर रियलिटी शो है बिग बॉस के बाद दूसरा ये ऐसा रियलिटी शो है जिसकी चर्चा अमूमन होती है। रोहित शेट्टी हर सीजन में बिग बॉस में जाते हैं और हर सीजन के कुछ कंटेस्टेंट जरूर आपको खतरों के खिलाड़ी में नजर आते हैं, लेकिन ये शॉकिंग नहीं है कि इस बार इतना एंटरटेनमेंट का डोज सीजन 17 में नहीं था, लेकिन अब रोहित शेट्टी ने अभिषेक कुमार को ऑफर दिया है, मनारा चोपड़ा को ऑफर दिया है, लेकिन इसी बीच बिग बॉस ओटीटी के 3 सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 की जो हाइप थी वो आज भी रियल है और आज भी उनके क्रेज जो है वो देखे जा सकते हैं। बिग बॉस के विनर का उतना क्रेज नहीं होगा जितना कि ओटीटी के कंटेस्टेंट एल्विश यादव मनीषा रानी का है। और फाइनली रोहित शेट्टी ने एक बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया है खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 के लिए। मनीषा रानी को, एल्विश यादव को और फुकरा इंसान को ये बड़ा प्रोजेक्ट ऑफर किया गया है। हालांकि फिलहाल के लिए मनीषा रानी झलक दिखलाजा में नज़र आ रही हैं और मनीषा झलक में इंजर्ड भी हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी मनीषा का जो जलवा है झलक में, आज झलक अगर एक सुपरहिट शो बन चुका है सोनी टीवी पर आकर, तो इसकी सबसे बड़ी और सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट मनीषा रानी है। क्योंकि ट्विटर पर आप जाकर देख सकते हो कि मनीषा का क्रेज़ इस तरह से है कि सारे कंटेस्टेंट जो हैं वो मनीषा के सामने फीके नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर एल्विश यादव, फुकरा इंसान, मनीषा, ये 3 सबके जो फेवरेट, दिलों पर राज कर रहे हैं वो कंटेस्टेंट अगर खतरों के खिलाड़ी में जाते हैं, तो जाहिर तौर पे खतरों के खिलाड़ी भी एक बड़ा हिट होगा। क्योंकि जिस तरीके से मनीषा, एल्विश, फुकरा की दमदार परफॉर्मेंस ने बिग बॉस ओटीटी को अब तक का सबसे पॉपुलर, सबसे हिट शो बना दिया, तो जाहिर सी बात है कि रोहित शेट्टी को ये डील बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। और ये अभी फ़िलहाल के लिए रूमर्स हैं, लेकिन प्रोजेक्ट ऑफर हुए हैं आपको। इन द नियर फ्यूचर एल्विश, मनीषा भी नज़र आ सकते हैं कई सारे बड़े प्रोजेक्ट में, लेकिन रोहित शेट्टी ने अपने खतरों के खिलाड़ी के लिए बहुत सारे कंटेस्टेंट को ऑफर दिया है। लेकिन क्या मनीषा रानी जाना चाहेंगी खतरों के खिलाड़ी में? क्योंकि मनीषा को लेकर, एल्विश को लेकर, फुकरा को लेकर अभी भी सवाल बने हुए हैं। आप क्या एक्साइटेड हो? क्या आप भी देखना चाहते हो एक बार फिर एल्विश को मनीषा के साथ, फुकरा इंसान, अभिषेक कुमार, इन सबको एक साथ एक शो में? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।